वायनाड में हुए लैंडस्लाइड में अब तक करीब 200 से ज्यादा लोगों की मौत, 191 से ज्यादा लोग लापता। वायनाड लैंडस्लाइड में 200 से ज्यादा लोग हुए घायल, सेना ने अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को किया रेस्क्यू। हिमाचल के कुल्लू में भारी बारिश से पार्वती नदी में उफान, नदी किनारे बनी एक इमारत ढहकर पानी के तेज बहाव में बही। हिमाचल के कुल्लू जिले के निरमंड में भारी बारिश से मची तबाही, कई गाड़ियां और मकान बहे। मूसलाधार बारिश के बाद कुल्लू में मलाना डैम ओवरफ्लो, डैम की दीवार टूटने की वजह से आशंका, आसपास के इलाके में बाढ़ आई। हिमाचल प्रदेश के मनाली में लगातार तेज बारिश, भारी बारिश के चलते ब्यास नदी का बढ़ा जलस्तर। शिमला के रामपुर में समेज खड इलाके में बादल फटा, 36 लोग लापता, रेस्क्यू में जुटी एसडीआरएफ की टीम। हिमाचल प्रदेश शिमला में बादल फटा। केदारनाथ मंदिर के पास बादल फटा, यात्री रुके, 200 श्रद्धालु फंसे, किसी तरह की जनहानि की भी कोई खबर नहीं। बादल फटने से केदारनाथ पैदल मार्ग का बड़ा हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त, तेज बारिश के चलते सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच की सड़क बही। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में बादल फटने से तबाही, डांग गांव में खेतों में भरा पानी, कई सड़कें क्षतिग्रस्त। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के चलते भूस्खलन, रुद्रप्रयाग में 10 रास्तों को किया गया बंद, प्रदेश के 126 मार्गों पर यातायात ठप। रुद्रप्रयाग के सोनप्रयाग इलाके में भारी बारिश से नदी में बहा पहाड़ का एक हिस्सा, लैंडस्लाइड के चलते पैदल मार्ग और सड़कें बंद। अल्मोड़ा में मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर, कई मकानों को पहुंचा नुकसान। अल्मोड़ा शेरघाट मोटर मार्ग में भू धसाव, यातायात बुरी तरह प्रभावित। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, राज्य में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव कार्यों का लिया जायजा। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बादल फटने की वजह से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से बातचीत की। जेपी नड्डा ने केंद्र सरकार की तरफ से हर मदद का दिया भरोसा। देश की राजधानी दिल्ली में भारी बारिश, आईटीओ इलाके में सड़कों पर भरा पानी, यातायात बाधित। दिल्ली के गाजीपुर में जलभराव के चलते पानी से भरे नाले में डूबने से 22 साल की महिला और उसके बच्चे की मौत, हादसे के बाद जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली में मूसलाधार बारिश के बीच सब्जी मंडी इलाके में एक मकान गिरा, मौके पर चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। दिल्ली में बारिश के बाद जल मंत्री आतिशी के घर के पास जलभराव, आतिशी के घर में घुसा बारिश का पानी। दिल्ली में आज भी बारिश का येलो अलर्ट, राजधानी के कई हिस्सों में दिखा जलभराव। बिहार के रोहतास में झरने में पानी का बहाव बढ़ने की वजह से 35 लोग फंसे, लोगों ने एक दूसरे के हाथों को पकड़कर बचाई जान। पंजाब के मोगा में मूसलाधार बारिश, घरों में घुसा पानी, लोगों की मुसीबतें बढ़ी। महाराष्ट्र के खिरपाड़ा में रोजमर्रा की जरूरी चीजें लाने के लिए नदी को तैरकर पार करते दिखे गांव वाले, भारी बारिश में पुल बहने के बाद गांव से संपर्क टूटा। राजस्थान के जयपुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, शहर के कई हिस्सों में सड़कों पर भरा पानी, धीमी हुई वाहनों की रफ्तार। लखनऊ के गोमती नगर में युवती से अभद्रता के मामले में कार्रवाई तेज, अरबाज और विराज साहू समेत 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उद्धव ठाकरे बोले, हमारे साथ बड़ी संख्या में मुसलमान और ईसाई समुदाय के लोग जुड़े, उन्हें हमारा हिंदुत्व तो स्वीकार है, बीजेपी और हमारा हिंदुत्व तो अलग है। यूपी सरकार पर अखिलेश यादव का निशाना, ट्वीट कर लिखा, यूपी में प्राथमिक शिक्षक और अन्य भर्तियों के नाम पर युवाओं को प्रतीक्षा के अलावा कुछ नहीं मिला, बीजेपी सरकार यानी झूठा इंतजार। गुवाहाटी में से असम सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने किया पौधारोपण, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत लगाया पेड़। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन मुंबई के चैत्य भूमि स्मारक पहुंचे, बाबा साहेब अम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की। दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में बोले आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले, छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक मराठा राजा नहीं बल्कि हिंदवी स्वराज के प्रेरणा स्रोत थे। वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन भारत के दौरे पर राष्ट्रपति भवन में हुआ औपचारिक स्वागत। वियतनाम के प्रधानमंत्री राजघाट पहुंचे, महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। नई दिल्ली में आयोजित हुआ विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र, प्रतिनिधियों ने मेजबान भारत का जताया आभार। लेबनान के बेरूत में भारतीय दूतावास ने मौजूदा हालातों के चलते भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की, भारतीयों से दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह। जम्मू कश्मीर के सांबा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, बीएसएफ जवानों ने एक घुसपैठिए को ढेर किया। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर फैसले का दिन, 18 याचिकाओं पर दोपहर 2 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट का आएगा ऑर्डर। तमिलनाडु में कई जगहों पर एनआईए का छापा, रामालिंगम मर्डर केस में एनआईए की छापेमारी। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे को लेकर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी, पुलिस ने इलाके की बैरिकेडिंग की। दिल्ली के कीर्ति नगर में एक घर में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू, घर में फंसे लोगों का किया गया रेस्क्यू। झारखंड के लातेहार में दर्दनाक हादसा, करंट लगने से 5 कांवड़ियों की मौत, 3 लोग घायल।
बालटाल और पहलगाम से भी अमरनाथ यात्रा के लिए कौ जत्था हुआ रवाना। 19 अगस्त तक चलेगी यात्रा। इस्माइल हानिया की मौत के बाद खालिद मिशाल हो सकता है हमास का नया नेता। इजरायली हमले में बच गया है खालिद मिशाल। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दी ईरान और हिजबुल्ला को चेतावनी। किसी भी मोर्चे पर कोई हमला हुआ तो चुकानी होगी भारी कीमत। हमास नेता इस्माइल हानिया की मौत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई ने बदला लेने की धमकी दी। इसराइल को सीधे हमले करने के आदेश जारी किया। भारत के लिए शूटिंग में आज मेडल मिलने की उम्मीद। स्वप्निल कुसाले 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन मेंस इवेंट में दिला सकते हैं मेडल। बॉक्सिंग विमेंस 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में निखत जरीन का मुकाबला आज राउंड ऑफ 16 में चीन की वू यू से होगी भिड़ंत। प्रवीण जाधव तीरंदाजी के एलिमिनेशन राउंड में उतरेंगे। दोपहर 2:30 बजे होगा मुकाबला। भारतीय मेंस हॉकी टीम की आज बेल्जियम के साथ होगी टक्कर। दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा मैच।